अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुक विद शिरानी। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज सर्दियों की सौगात, सब जो गुड़ जैगरी खाने के लवर हैं हमारी तरह, तो उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सर्दी का इफ्तिताह हो गया है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि मैं गुड़ बना के आपको दिखाऊं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मिसाले भी इसमें कुछ डालेंगे, मिसाले और नट्स वाला गुड़ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अभी इसमें देखते हैं, आप नट्स अपने चॉइस अपनी पसंद के मुताबिक डालें, खोपरा और वॉलनट, बादाम है, फूल मखाने हैं, 50-50 ग्राम जितने लिए हैं। एक बोल गुड़ को मैंने कूट लिया अच्छा सा, और इसमें डलेगा सौंफ 1 टेबल स्पून, सफेद तिल, ब्लैक पेपर और सॉल्ट का पाउडर। मजा करने के लिए ये सारे मसाले डालेंगे, और 2 टेबल स्पून इसमें ना देसी घी के डालेंगे, और छोटी इलायची और नट भी खुशबू के लिए डालेंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इन सब को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, फिर इनको दरदरा सा कूट लेंगे ताकि मुंह में आए टुकड़े इन सब को। फिर आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी, पहले मैं इन नट्स को ड्राई। ये रोस्ट करने से क्रिस्पी हो जाएंगे। वैसे मूंगफली भी इसमें बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास पड़ी हुई थी, अगर मूंगफली हो आप वो भी जरूर डालें। ये जल्दी रोस्ट होते हैं फूल मखाना और खोपरा, वॉलनट और बादाम को कर लेंगे। ये ठंडे हो जाएंगे तो इसमें 15-20 होंगे। वैसे अच्छा होता है मीठी चीज में सौंफ का टेस्ट, और तेल भी डालूंगी। सौंठ वैसे सर्दियों के लिए अच्छी होती है, नजले जुकाम के लिए ये डालेंगे, और काली मिर्च भी डालेंगे थोड़ी सी, आधा आधा टी स्पून, ज्यादा नहीं डालना। बस इन्हें निकाल देते हैं। ये हमारे नट्स रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इन्हें दरदरा सा कूट लेती हूँ या पीस लेती हूँ, और 2 टेबल स्पून में इसमें देसी घी के डाल के अपने ज्यादा नहीं। मेरे पास एक तकरीबन
किलो सवा किलो जितना गुड़ होगा इसे मैंने कूट लिया है। अब इसे पिघलने के लिए इसे डाल देते हैं, हल्की आग पे ये पिघलेगा। ज्यादा तेज इसे पानी वाली नहीं डालना, ये इधर पिघलेगा। मैं इसको हल्की आग पे रख रही हूँ, मैं जब तक अपने नट्स पीसती हूँ फिर इनको ड्राई रोस्ट करती हूँ। तिल और सौंफ ये ड्राई रोस्ट करती हूँ और छोटी इलायची इसमें कूट के डालती हूँ। पिघल रहा है, इधर मैंने नट मिक्स और छोटी इलायची कूट ली है ताजा फ्रेश। और इधर मैं सफेद तिल और सौंफ एक टेबल स्पून लेती हूँ। इसे मैं रोस्ट कर लेती हूँ, प्लेट ये तैयार करके रखी है, इसमें जमाएंगे। इसमें थोड़ा ऑयल घी लगा के इसे तैयार करके रख दिया। बहुत ही मजे का बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। एक चुटकी नमक डालूंगी मजाक करने के लिए। ये देखिए अब पिघलना शुरू हो गया है, मेल्ट हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, नटमेग और छोटी इलायची। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा फिर मैं सारी चीजें बारी बारी डाल के एक दो हाथ चला के सौंफ की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मीठे में। वैसे मुझे सौंफ बहुत पसंद है। रोस्ट हो गया सौंफ और तिल। ये तकरीबन पिघल गया है, मेल्ट हो गया सारा। अब ये हमारा ड्राई फ्रूट है। आग बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, कहीं जल न जाए हमारी चीजें। अब इसे अच्छे तरह से मिला लूंगी आहिस्ता आहिस्ता आग पे, ज्यादा नहीं जलाऊंगी। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है खाना में भी टेस्टी। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे पास सौंठ है हाफ टी स्पून, ये डाल लूंगी और ब्लैक पेपर
फ्रेश कुटा हुआ, किसी करके नहीं डालना। ये सफेद तिल और सौंफ, सारा कुछ मिक्स कर दो। नट्स भी चला गया, सौंफ भी चला गया और सेसमे ऑयल वो भी चले गए, ब्लैक पेपर, सारा कुछ मैंने अब डाल दिया। आपको रिकैप दूंगी जिधर चला गया। अब इसको मैं ग्रीस करके निकालती हूँ। जैसे घी से मैंने इसे ग्रीस कर लिया, सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके अब इसको निकालते हैं। ज्यादा नहीं पकाना वरना ये कड़क हो जाएगा, बस मिक्स करना है। जो मसाले डाले हैं, जो नट्स डाले हैं, सारा कुछ मिक्स करना है। मैंने इसे जल्दी से जमा लेना है, इस तरह फैला के। इसको ऊपर से बराबर कर लेना। अभी से क्या करेंगे, इसे अभी से निशान में लगा दूंगी, फिर ये सख्त हो जाएगा। बस इसके पीस काट लेते हैं, ठंडा हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे इसके पीस निकाल।